Hello students and friends, I am Sheetal Nidhi and you are welcome to your own channel as an education class. Today we will continue series of part of speech and the topic is preposition. What is the preposition? How many types of preposition and where we use all types of preposition? It all your questions solution in one video. So keep watching my video till to end. If you are watching first time my video, so please subscribe my channel and click bell icon to more notifications of my latest video. And if you watch my another so many videos, so please check description box in this video. So let's go, we are started our this video of preposition. So first we know what is the preposition. A preposition links a noun or a pronoun with another noun or pronoun in a sentence. Preposition मतलब पूर्वसर्ग, ऐसे शब्द जो किसी noun या pronoun को एक वाक्य में किसी दूसरे noun या pronoun से जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं preposition. ऐसे शब्द जो एक ही वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम को किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़े, जैसे टीना इज प्लेइंग विथ रीना इन द गार्डन. टीना रीना के साथ गार्डन में खेल रही है. तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, विथ एंड इन. सो लेट्स वी सी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. वो प्रीपोजिशन, वो वर्ड्स जो टाइम को, समय को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे एट, ऑन, इन, बाय, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, विद इन, सिंस, फ्रॉम, टूवर्ड्स, ईटीसी. ऐसे कई सारे और भी प्रीपोजिशन हैं जो समय को सेंटेंस में बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे माय ब्रदर केम होम एट दिवाली. मेरा भाई दिवाली पर घर आया था. तो यहाँ पे एट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, लोकेशन और पोजिशन. ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी जगह, स्थान या स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे इन, ऑन, बाय, अंडर, ओवर, बिटवीन, इनसाइड, आउटसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ईटीसी. ऐसे कई सारे प्रीपोजिशन हैं जो स्थान को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे अ कुली वर्क्स ऑन अ प्लेटफॉर्म. एक कुली एक प्लेटफॉर्म पर काम करता है. कहाँ काम करता है? प्लेटफॉर्म पर. तो यहाँ पे स्थान यानी जगह बताई है तो इसके लिए यूज़ किया है ऑन. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. वो प्रीपोजिशन जो दिशा बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इनके लिए प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं टू, इनटू, अप, डाउन, ओवर, अंडर, अलोंग, थ्रो, टुवर्ड्स, अक्रॉस, ईटीसी. ऐसे कई प्रीपोजिशन हैं जो दिशा को निर्देशित करते हैं, जैसे ही हैज़ गॉन टुवर्ड्स द टेम्पल. वह मंदिर की ओर चला गया है. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट एंड प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मीन्स. प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट का मतलब है कि वो कार्य जो सब्जेक्ट के लिए किसी और व्यक्ति ने किया है उस प्रीपोजिशन को कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट. प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब साधन, जिस साधन से कार्य किया गया या जिस टूल्स से, इंस्ट्रूमेंट से किया गया. इसके लिए दो प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, बाय एंड विथ. जैसे द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि. रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी. एंड सेकेंड इज शी वेंट टू स्कूल विथ हर स्कूल बैग. वह अपने स्कूल बैग के साथ स्कूल गई थी. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन और सोर्स. ऐसे प्रीपोजिशन जो उत्पत्ति या स्रोत को बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन और सोर्स. जैसे फ्रॉम, ये एक ही वर्ड है जो दोनों में यूज़ किया जाता है, ओरिजिनिटी में भी और सोर्सेस में भी. फर्स्ट है आई एम फ्रॉम एमपी. मैं एमपी से हूँ. तो हमारी उत्पत्ति, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा ओरिजिन है एमपी. शी गॉट अ ड्रेस फ्रॉम हर मदर. उसे उसकी मम्मी से एक ड्रेस मिली. तो ड्रेस मिलने का सोर्स क्या था? उसकी मम्मी. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, प्राइस और कॉज. ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी उद्देश्य को, किसी कीमत को या किसी कारण को दर्शाते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है फोर. फोर का यूज़ तीनों ही कंडीशन में हो सकता है, जैसे अ नाइफ इज़ यूज्ड फॉर कट द एप्पल. ये फर्स्ट कंडीशन है कि नाइफ का यूज़ किया गया एप्पल को काटने के लिए. सेकेंड है आई बॉट दिस पैन फॉर 50 रुपीज़. मैंने ये पैन 50 रुपये में खरीदी. तो यहाँ फोर का यूज़ हो रहा है प्राइस बताने के लिए. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट.
इस प्रकार के प्रीपोजिशन में कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के प्रीपोजिशन में किसी प्रकार का कोई रूल्स नहीं होता है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित प्रीपोजिशन, जैसे अफ्रेड ऑफ, बिलोंग टू, फाउंड ऑफ। अफ्रेड ऑफ एक एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन है, जैसे शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से डरती है। सेकेंड बिलोंग टू, ये एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन है, दिस मोबाइल इज़ बिलोंग्स टू मी, ये मोबाइल मेरा है। एंड नेक्स्ट इज़ फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ भी एक एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है शौकीन होना। शी इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, उसे कुकिंग करना पसंद है, या फिर कह सकते हैं वो कुकिंग करने की शौकीन है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के प्रीपोजिशन। यदि आप इन प्रीपोजिशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट करें, तो हम आगे के वीडियो में इसे डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एट द एंड। और एक बात और, अगर आप 12th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अगर आप ग्रामर की कोई भी डिटेलिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए।